हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे YouTube चैनल CBTR में। दोस्तों कैसे हो आप सभी, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कैरेबियन प्रीमियर लीग 2022 के बारे में, और ये CPL का क्वालिफायर मैच है दोस्तों, और ये पहला क्वालिफायर मैच है जो कि होने वाला है ग्वाना जोन वॉरियर्स और बारबाडोस रॉयल्स के बीच में। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, और आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ मिलती रहे और क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट पाते रहे। तो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं मैच को। तो ये मैच होने वाला है 27 सितंबर मंगलवार को 7:30 PM से ऑन ग्राउंड ऑफ प्रोविडेंस स्टेडियम प्रोविडेंस गुयाना में। अब दोस्तों मैच की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर बात किया जाए दोस्तों ग्वाना जोन वॉरियर्स की, तो रहमानुल्ला गुरवाज हैं हाईएस्ट टॉप लीडिंग रन स्कोरर हैं, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, काफ़ी अच्छे लय में दिख रहे हैं, और पिछले मैच में इन्होंने अर्धशतक बनाया था और टीम को जीत दिलाई थी। बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और ये एक फाइन स्ट्राइकर है ग्वाना जोन वॉरियर्स की। 60 शॉट डोमिनेट करेंगे बारबाडोस रॉयल्स को। वहीं शकीब अल हसन है टॉप विकेट टेकर है ग्वाना जोन वॉरियर्स की 60 से, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, बैटिंग और बॉलिंग से दोनों से ये अपने टीम को जीत दिलाते हैं और बहुत ही अच्छे लय में दिख रहे हैं। पिछले मैच में भी इन्होंने विकेट निकाला था। अगर बात करें दोस्तों तो बारबाडोस रॉयल्स की, तो स्कीपर कायल मेयर्स हैं टॉप रन स्कोरर हैं अगेंस्ट ग्वाना जोन वॉरियर्स के। कायल मेयर्स बहुत ही लाजवाब प्लेयर हैं दोस्तों, इनको मत छोड़िएगा अगर टीम में ड्रीम इलेवन बनाना है तो। बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, बहुत ही लाजवाब प्लेयर हैं, और सारा टूर्नामेंट में इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर बात करें दोस्तों अल्जारी जोसेफ की, तो स्ट्रॉन्ग चॉइस हैं फॉर विकेट टेकर फ्रॉम बारबाडोस रॉयल्स के अगेंस्ट ग्वाना जोन वॉरियर्स के। अगर बात किया जाए दोस्तों हमारे क्रिकेट प्रेडिक्शन की साइड से, तो ग्वाना जोन वॉरियर्स एक स्ट्रॉन्ग टोटल है इस गेम में। अगर पिच रिपोर्ट के बारे में बात करें दोस्तों, तो जैसे जैसे मैच प्रोसीड कर रहा है हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिच अच्छे सरफेस में हो रही है और ये कॉन्स्टेंट बाउंस दे पाएगी। स्पिनर्स की टर्न को काफ़ी फेवर देने वाला है ये पिच, और मैच के बाद तो सबसे पहले बल्लेबाजी करना बेहतर होगा। हम दोस्तों बात करते हैं स्कोर के बारे में, तो 170 से 180 तक के स्कोर का एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पिच पर, और बहुत ही अच्छा मुकाबला होगा दोनों के बीच अगर 170 से 180 का स्कोर बनेगा। तब स्टैटिस को मद्देनजर रखते हुए तो दोनों ही टीमें काफ़ी अच्छी है, और टूर्नामेंट के साथ दोनों ने अच्छा प्रोग्रेस किया है। ग्वाना जोन वॉरियर्स हमारी फाइनल प्रेडिक्ट और प्रेडिक्शन रहेगी दोस्तों हमारे क्रिकेट प्रेडिक्शन के साइड से। तो आप लोगों को क्या लगता है अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर मेंशन कीजिएगा, हम आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। और अंत में मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ मिलती रहे और क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स पाते रहें। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, सबक है।